हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 की सिचुएशन देखो, निफ्टी 50 में काफ़ी बेहतरीन एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी मोमेंटम मिला है। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में इस सिचुएशन पे जब ये रिट्रेसमेंट मार्केट ले रहा था, इतना बेहतरीन मोमेंटम नहीं था, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे, वन डायरेक्शन आपको सीधा सीधा मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट ने सीधे सीधे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दी है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दिया और अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया। और जितने लोगों ने स्कैल्पिंग का कोर्स किया है तो वे देखेंगे स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग भी उन्हें काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आपने नहीं किया, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए और भी सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। पहले 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ध्यान से देखो क्या सिचुएशन मार्केट में बन रही है। भाई, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद नया ऑल टाइम हाई हमारा यहाँ पे लगा था, लेकिन मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। चलो ये तो एक रिजेक्शन लिया ही था, लेकिन जब ये वापस आया फिर से रिजेक्शन लिया, उससे अगले दिन भी रिजेक्शन लिया, उससे अगले दिन भी रिजेक्शन लिया और आज भी रिजेक्शन लिया। यानी कि जरूरी ये हो रहा है कि मार्केट इस जोन को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। बायस भी चाह रहे हैं कि मार्केट 22,500 का ब्रेकआउट देके उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही। साथ के साथ ध्यान दो एक बात और, कल हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी। यहां पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस लाइन आपको देखने को मिल रही है, नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको सपोर्ट लाइन देखने को मिल रही है। मार्केट ने आज दोनों की रेस्पेक्ट की है। अगर आप देखेंगे नीचे की सपोर्ट लाइन वाले जोन में भी मार्केट आपको आता हुआ दिखाई दिया, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन की भी रेस्पेक्ट मार्केट कर रहा है, इस रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो यानी कि इस बात से हमें एक बात समझ में आती है कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए या निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मूव चाहिए, तो एक तो मार्केट को इस वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, प्लस ऑल टाइम हाई का भी मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट को इसका भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा, प्लस मार्केट को प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा। यानी कि इतनी सारी चीजें इस जोन में यहां पे सामने बिल्कुल बैठी हुई है, तो हमें थोड़ी सी यहां पे सावधानी रखनी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट साइडवेज मोमेंटम देता देता अगर बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, जैसी सिचुएशन आपने यहां पे देखी होगी कि मार्केट पहले साइडवेज मोमेंटम देता रहा, फिर बड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला, क्योंकि बढ़ता मार्केट काफी धीरे धीरे है, लेकिन जब वो गिरने पे आता है तो वो बड़े बड़े मोमेंटम दे देता है। तो इस चीज का आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर ये मोमेंटम आते ही आपके हाथ से छूटने नहीं चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना अगर पॉजिटिव साइड कुछ सोचोगे, जब तक मार्केट इस जोन को नहीं निकाल देता। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए वन डे के टाइम फ्रेम पे भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे भी बहुत सारा जाल यहाँ पे बना हुआ है। ये जो आपको ये वाली ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, ये हमने अभी समझी हुई 2 आवर के टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन थी। ये वाला जोन भी 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने समझा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे दो लाइनें और एक्स्ट्रा आ गई वन डे के टाइम फ्रेम पे। एक तो ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन, ये हमारी किस तरीके से मदद करेगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और एक ये नीचे एक सपोर्ट जोन जो मार्केट के लिए था, और मार्केट ने जब इसका ब्रेकडाउन दिया था इस पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज भी मार्केट ने इसे ही रिटेस्ट किया है, भाई नीचे इस पे सपोर्ट लिया और ऊपर इस पे आप देखेंगे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पे भी यही है कि मार्केट इस जोन से नहीं निकल रहा। अगर इस जोन से निकला फिर आप इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहां पे आपके लिए हो सकती है। लेकिन बोलिंजर बैंड हमें इस बारे में क्या कह रहा है, एक बार बोलिंजर बैंड को भी समझ लेते हैं, जिससे आपको इसका भी क्लियर आइडिया लग जाएगा। यहां पे देखो भाई, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन है, ये तो यहां पे है, लेकिन बोलिंजर बैंड कह रहा है कि नजदीकी रेजिस्टेंस मार्केट के लिए यहां पे हो सकता है 22,650 के अराउंड, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए यहां पे हो सकता है अगर मार्केट इसे निकालता है, क्योंकि वहां पे अपर बैंड आपको मार्केट का दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज समझो भाई, मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस कितना एक्ट करा है, देखो ये गिरावट दी थी मार्केट ने, ये भी गिरावट दी थी, तो अगर ये गिरावट आती है और मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन जो हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे समझी थी,
अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो ये मिडिल बोलिंडर पे बोलिंजर बैंड पे अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज लग रही है। 22,200 के अराउंड आपको ये सपोर्ट देखने को मिल सकता है। चीजें समझ में आ रही है ना। आइए अब हम सीधे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो लॉजिक सिंपल सा था आज का, अगर आप देखेंगे काफी सिंपल सा लॉजिक था कि भाई मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी। हमारा सिंपल सा रूल है कि भाई बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन सारों चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन की भी बात करेंगे तो मार्केट ने इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं दिया, यहां से मार्केट आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेगेटिव साइड तो मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी बनी नहीं रही। अगर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन दे देता या कैंडल की क्लोजिंग दे देता, फुल ओवर कैंडल मिल जाती, तो पॉसिबिलिटी हो जाती कि नेगेटिव साइड आपको फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि यहां से आप पॉजिटिव साइड ट्रेड लेके बैठ जाओ। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता आपको शांति से बैठना चाहिए। यहाँ पे सिचुएशन आप देखेंगे भाई इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए क्या क्या है। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपके लिए प्रीवियस डे लो, और क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपके लिए ट्रेडिंग डे लो। अब मार्केट ने दोनों का ही आपको ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद फॉलोअर कैंडल भी मिल दी है और ईएमए का क्रॉसओवर भी आपको यहां पे देखने को मिला है। तो मार्केट ने सीधे सीधे आपको मोमेंटम दिया है। अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट निकाला तो फिर अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रीवियस डे हाई। दूसरी चीज यहां पे भी देखो, अगर कोई इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया तो कोई बात नहीं, यहां पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा, नीचे आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, यहां पे आपके लिए सपोर्ट जोन। मैंने आपको चार पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट निकाला, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट निकाला, और आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या थी, प्रीवियस डे हाई। तो ये भी आपके लिए एक मोमेंटम काफी बेहतरीन सा कैप्चर करने लायक था। तो दोस्तों अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऑब्जर्वेशन हम करेंगे क्या। अब पहले फोकस करो 28 पे रेजिस्टेंस, फिर 1 अप्रैल पे रेजिस्टेंस, फिर 2 अप्रैल पे रेजिस्टेंस, 3 अप्रैल पे रेजिस्टेंस। अगर आप 1 अप्रैल और 2 अप्रैल पे फोकस करोगे, मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रहा, कोई खास अपॉर्चुनिटी मार्केट ने नहीं दी। लेकिन आज के दिन भी मार्केट कहीं कहीं साइडवेज रहा, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज बना के दी, जैसे इस एरिया में अपॉर्चुनिटी बना के दी, छोटी सी इस एरिया में अपॉर्चुनिटी बना के दी, फिर जो एक रिवर्सल दिखाया यहाँ पे आपके लिए बहुत ही छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मार्केट ने बना के दी। हालांकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी या इतनी बड़ी मोमेंटम नहीं थे। दूसरी चीज और भी सीखा करो भाई, आप ध्यान दो 21 और 22 को ऑब्जर्व करो, और अब ऑब्जर्व करो 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को, क्या आपको कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि नहीं। ध्यान से देखो भाई, यहां पे भी मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी, अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकाला, अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट निकाला, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर प्रीवियस डे हाई, आपको ये मोमेंटम देखने को मिला। यहां पे भी देखो गैप डाउन ओपनिंग, ट्रेडिंग डे हाई को निकाला, अपने प्रीवियस डे लो को निकाला। तो ये ऑब्जर्वेशन, ये पैटर्न को ऑब्जर्व किया करो, इससे क्या है ना आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। अगर ये दोबारा से पैटर्न दोबारा से फॉर्मेशन होता है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेशन होगा जैसे आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, भाई रिजल्ट यहीं से तो निकल के आते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सिचुएशन पहले पहले यहां यहां पे घटी है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ पाए कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। आइए अब हम यहां पे और भी सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। एक बात और देखो, ध्यान से नोटिस करना, यहां पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, रिकवरी दिखाई, अगले दिन भी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन ऐसा मोमेंटम नहीं मिला। ये होता है ट्रैप, क्योंकि जो लोग ये सोच के बैठे थे कि भाई यहां पे गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, मार्केट ने फिर से एक मोमेंटम दिखाया था, यहां पे भी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाएगी, यहां से भी मार्केट एक मोमेंटम दिखाएगा, आपको इस तरह की सोच अपने माइंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखनी है। रूल पे फोकस करो। अगर रूल क्या कह रहा है, अब यहां पे आप देखेंगे अगर ये कैंडल छोटी बनती, इसका मार्केट ब्रेकआउट निकालता, तो पॉसिबिलिटी बन सकती थी, क्योंकि अगला इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए क्या होता, प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट देता फिर आप प्रीवियस डे हाई पे फोकस करते, और यहां पे ये वाला रेजिस्टेंस जोन भी है। ठीक वैसे ही आप यहां पे भी फोकस करेंगे। आइए एक एक चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि कितने लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा हुआ है।
अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए अगले इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, यहां पे आप देखेंगे आपके लिए प्रीवियस डे हाई है 22,500 का जोन है और इस जोन में काफी हाई पड़े हुए हैं। थर्ड का डे हाई है इस जोन में, आप देखेंगे सेकंड का डे हाई है इस जोन में, और क्या देखेंगे आप फर्स्ट का, देखो 1 अप्रैल का डे हाई है इस जोन में, और चीजें देखो यहां पे 28 का भी डे हाई है इस जोन में, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो बेहतर क्या है, जब तक इस वाले जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलता एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां तक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि स्कैल्पिंग अलग चीज होती है और लॉन्ग साइड आप पोजीशन में बनते हैं वो एक अलग चीज होती है। स्कैल्पिंग में आप मार्केट में घुसते हो निकलते हो जैसे ही आपको पॉइंट मिलता है, बहुत छोटे से मार्जिन से आप उसमें अपना स्टॉप लॉस रखते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब आप खुद ही देखो, अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिया तो अगर इस वाले सपोर्ट जोन से मार्केट नीचे चलता है, नीचे आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन भी है और एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है प्रीवियस डे लो वाला। अब काफी लोग ट्रैप कहां पे हो जाते हैं, मान के चलो मार्केट ने यहां से नीचे चलना शुरू कर दिया, जो लोग इस ट्रेंड लाइन को नहीं ड्रॉ कर रखे होंगे, अगर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, क्योंकि वे तो ये सोच के चलेंगे ना कि भाई अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देगा हो सकता है प्रीवियस डे लो तक जाए, कम से कम यहां पे तो सपोर्ट ले या फिर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे मोमेंटम दिखाए। तो ध्यान से चीजों को अगर आप समझोगे, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए ट्रेंड लाइन बनेगी, हम फोकस करेंगे इस ट्रेंड लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन पे आते ही आप मार्केट से एग्जिट मारना चाहिए आपको, फिर ध्यान रखना चाहिए प्रीवियस डे लो पे, यहां तक आप शांति से बैठे रहेंगे, अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। समझ में आ गई कि नई चीजें। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बन गया, जैसे कि हमने देखा कि यहां पे इतने दिनों के डे हाई पड़े हुए हैं, अगर मार्केट इसी जोन में गैप अप ओपन होता है, फिर से ध्यान से समझो, अगर मार्केट इसी जोन में गैप अप ओपन होता है और टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है तो आपके लिए पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि जितने भी लोग यहां से सेलिंग कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहीं यहीं पे पड़े होंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को काटने की कोशिश करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे तो इन्हें बाइंग करना पड़ेगा, तो एक मोमेंटम मिलने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने यहां पे गैप अप ओपन होके रिवर्सल दिखाना शुरू कर दिया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये ट्रेंड लाइन, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाले हैं। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो आप फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन पे, अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहीं से ब्रेकडाउन दे देता है तो आप प्रीवियस डे लो से नीचे निकलते ही नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा तो ऊपर ज्यादा बड़ा टारगेट आपको लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस हो गया, फिर ऊपर की तरफ आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।